मेरे इस चैनल शेयर नॉलेज पुणे में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। मात्र 138.05 रुपये का ये शेयर है। इस शेयर का 52वीं हाई देखते हैं तो 52वीं हाई 158.35 रुपये, वही 52वीं लो 40.55 रुपये के आसपास का है। आज के दिन कितनी क्वांटिटी उठाई गई है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 56,060 क्वांटिटी उठाई गई है जो कि 44% के आसपास है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके कुछ डिटेल देख लेते हैं तो आप देखेंगे कंपनी ने पिछले क्वार्टर में जहाँ 924 लाख का प्रॉफिट बुक किया था, वहीं इस क्वार्टर में कंपनी ने 1,323 लाख का प्रॉफिट बुक किया। यानी कंपनी ने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में शानदार प्रॉफिट बुक किया। इसके बाद इस कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 74% प्रमोटर का हिस्सा है, वहीं 25% पब्लिक का हिस्सा है। ज़्यादातर 50% के ऊपर प्रमोटर हिस्से को हम अच्छा मानते हैं तो यहाँ पे काफ़ी शानदार है जो कि 74% के आसपास है। अब प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी रखा है कि नहीं देखते हैं तो अब देखेंगे सी कॉलम है 0 है, यानी प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी नहीं रखा तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन बन जाते हैं। आप देख सकते हैं ये कंपनी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, NSE में भी है और BSE में भी है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मार्केट कैपिटल इस कंपनी का है 692 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 138 रुपये के आसपास है। 52वीं हाई 158 रुपये, वहीं 52वीं लो 40 रुपये के आसपास का है, ठीक है। कंपनी के पास 236 करोड़ के आसपास का डेप्थ भी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। एक साल का चार्ट देखें तो काफ़ी शानदार रिटर्न दिए कंपनी ने अपने शेयर धारकों को इस एक साल के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। गैर इस कंपनी का हम क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं तो आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने 13 करोड़ का शानदार प्रॉफिट बुक किया, वहीं पिछले क्वार्टर में 9 करोड़, 19 करोड़, 11 करोड़, 1 करोड़। तो आप देखेंगे इस कंपनी ने लास्ट 5 क्वार्टर से शानदार प्रॉफिट बुक किया है और अपने प्रॉफिट को ये इंक्रीज करते हुए आ रही है। इसके बाद इस कंपनी का हम ईयरली प्रॉफिट देखते हैं तो आप देख सकते हैं इस साल कंपनी ने 14 करोड़ का शानदार प्रॉफिट बुक किया है, वहीं पिछले साल 17 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था, उसके पिछले साल 6 करोड़, 8 करोड़, 41 करोड़, 48 करोड़, 43 करोड़, 20, 16, 12, 13, 7। अब देख सकते हैं इस कंपनी ने हर एक साल में काफ़ी शानदार प्रॉफिट बुक किया है। इसके बाद इस कंपनी का हम रिजर्व देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास 331 करोड़ का शानदार रिजर्व है, वहीं बोरोइंग 236 करोड़ के आसपास की बोरोइंग भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बता चुका हूँ, 74% प्रमोटर का हिस्सा है, वहीं 26% के आसपास पब्लिक का हिस्सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले जहाँ प्रमोटर का हिस्सा 70% हुआ करता था, धीरे धीरे प्रमोटर भी अपने स्टेक को इंक्रीज करते हुए आ रहे हैं। देखेंगे 72% हो गया, फिर 74% के आसपास, यानी कहीं ना कहीं प्रमोटर को भी ऐसा लग रहा है ये कंपनी आगे जाके अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है, इसलिए प्रमोटर भी अपने होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन बन जाते हैं। इस कंपनी का वन डे का चार्ट देखिए, 5 डेज का चार्ट देखिए, 1 मंथ का चार्ट देखिए, 6 मंथ का चार्ट देखिए, YTD का चार्ट देखिए और इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए। जहाँ इस शेयर में ग्रोथ है इस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है AYM सिंटेक्स लिमिटेड। जी हाँ, मात्र 138.25 रुपये का ये शेयर है। इसका हम फाइनेंशियल देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी डिटेल दी गई है ये सारी डिटेल ग्रीन में दी गई है तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल जो दी गई है वो ग्रीन में है। आप इसका पिछला क्वार्टर भी देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में भी कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है, हर एक डिटेल ग्रीन में दी गई है। मार्च का देखेंगे तो मार्च की डिटेल भी देखिए, हर एक डिटेल ग्रीन में है। जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो आप भी उस कंपनी का फाइनेंशियल जरूर देख लें। अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है तो वो कंपनी आगे जाके आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। अभी मैं आपको AYM सिंटेक्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिख के आया हूँ। आप देख सकते हैं ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये कंपनी करती क्या है, AYM सिंटेक्स मल्टी पॉलीमर यार्न के लिए विश्व स्तरीय निर्माण प्रौद्योगिकी के साथ प्रमुख विशेषता सिंथेटिक यार्न का निर्माता है। यह बल्क कंटिन्यूस फिलामेंट यार्न का सबसे बड़ा भारतीय निर्माता है और एशिया में एक प्रमुख मल्टी पॉलीमर यार्न डाइनिंग हाउस है। तो आप देख सकते हैं गाइस, अगर आप भी इस कंपनी के बारे में थोड़ा और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के
ऊपर आके देख सकते हैं कंपनी किन किन प्रोडक्ट में इंगेज है। गाइस अभी मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ। मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर इसलिए लेके आता हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट मिल जाते हैं, यानी लोगों का एक ओपिनियन जान लेते हैं इस शेयर के बारे में कि कितने परसेंट लोग इस शेयर को बाय करने के लिए अपनी राय दे रहे हैं। जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप भी उस कंपनी का कम्युनिटी सेंटीमेंट जरूर देख लें, जिससे कि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि जिस शेयर को आप बाय करने जा रहे हैं उसके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है, कितने परसेंट लोग उस शेयर को बाय करने के लिए अपनी राय दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AYM Syntex लिमिटेड 138.25 रुपये का यह शेयर है। जी माफी चाहूंगा, यहाँ पे डिटेल अवेलेबल नहीं है। जब भी किसी भी आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भी एक बार कम्युनिटी सेंटीमेंट देख लीजिएगा। काफी वेबसाइट होती है, मनी कंट्रोल, टिकट टैप, शेर खान जैसी बहुत सी वेबसाइट है, वहां पर जाके आप कम्युनिटी सेंटीमेंट जरूर देख लीजिएगा। अभी मैं आपको AYM Syntex लिमिटेड के कैंडल चार्ट पैटर्न के ऊपर लिख के आया हूँ, और मैंने यहाँ पर देखिए 1 मंथ का एक टाइम फ्रेम लगाया है। अब देखेंगे इस 1 मंथ के टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड एक्टिवेट हो चुका है और शेयर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। गाइस इसके बाद मैं यहाँ पर 1 वीक का एक टाइम फ्रेम लगाऊंगा, तो आप देखेंगे इस 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी सुपर ट्रेंड एक्टिवेट हो चुका है और शेयर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। गाइस इसके बाद मैं यहाँ पर 1 डे का एक टाइम फ्रेम लगाऊंगा, तो आप देखेंगे इस 1 डे के टाइम फ्रेम में अभी सुपर ट्रेंड एक्टिवेट हुआ नहीं है, होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही ये अपना लेवल 150.10 रुपये, अगर ये अपना लेवल 150.10 रुपये को क्रॉस कर देता है तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, जिससे कि वो शेयर आगे जाके आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सके। गाइस जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप इन इंडिकेटर को अप्लाई करके ही उसमें एंट्री लीजिएगा। सुपर ट्रेंड क्या होता है? सुपर ट्रेंड एक बाइंग इंडिकेटर होता है। जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इंडिकेटर आपको शेयर को बाय करने के सिग्नल देता है। ये इंडिकेटर किस तरह से अप्लाई करते हैं अपने कैंडल चार्ट पैटर्न के ऊपर तो देख लीजिए। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर 2 इंडिकेटर लगा के रखे हैं, RSI एंड सुपर ट्रेंड। तो पहले मैं आपको RSI की सेटिंग दिखा देता हूँ। तो देखिए सेटिंग इस तरह से आपको करनी है, पीरियड को आपको 14 रखना है, RSI का कलर मैंने ब्लैक कर रखा है, ओवर बॉट को मैंने ग्रीन कर रखा है, ओवर सोल्ड को 40 रेड कर रखा है, डन। इसके बाद सुपर ट्रेंड की सेटिंग देख लीजिए। सुपर ट्रेंड की सेटिंग इस तरह से करनी है आपको, पीरियड में आपको 10 रखना है, मल्टीप्लायर में आपको 1.5 रखना है, अप ट्रेंड को ग्रीन और डाउन ट्रेंड को रेड रखना है, डन। इस तरह से आप अपने कैंडल चार्ट पैटर्न के ऊपर सेटिंग कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं या करना चाहते हैं तो आप ये इंडिकेटर देख के ही उसमें एंट्री लीजिए, जिससे कि वो शेयर आगे जाके आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सके। गाइस अगर आपको ये शेयर अच्छा लगता है AYM Syntex लिमिटेड का, जो कि मात्र 138.25 रुपये का है, तो आप भी इसे अपने पोर्टफोलियो में लेके रखिएगा। गाइस मार्केट काफ़ी वोलाटाइल होता है तो कम क्वांटिटी में ही शेयर को बाय करके रखिएगा। वैसे भी लास्ट 5 दिन से मार्केट काफ़ी डाउन ट्रेंड में चल रहा था, इसलिए बल्क में क्वांटिटी बाय मत कीजिएगा। और जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप उस कंपनी का फंडामेंटल जरूर देखें, अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो वो कंपनी आगे जाके आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। ऐसे ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जिस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा ना हो। और गाइस अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाएं, क्योंकि मेरे इस चैनल पे हमेशा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर ही सजेस्ट किए जाते हैं। और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाए। थैंक यू गाइज़।